इतना फेंक के गए, बोतलें, पैकेट, जूस के डब्बे, रास्ते पे सारे एक दूसरे की केयर करते हुए जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे जितने मिलेगा हर कोई देख हाथ हिला रहा है, दे नो इट इज, हिम्मत आती है उसके भी और अपने भी ऐसा रास्ता पार करने की, है ना? आदमी वाले जा रहे हैं ऊपर, है स्पीकर के गए, कहाँ स्पीकर के गए? क्या बनाने रेडी है?
नीचे में ले जाए। वो बोला था स्की करके नीचे क्या जाएगा, कौन से नीचे जाएगा स्की करके? जाएगा कोई रास्ता होगा यार, क्या पता वही लोग कैसे जाएगा वहाँ पे, ऊपर माउंटेन है स्की, क्या पता वही हो फिर। स्की होता था, स्की की लाइनिंग, स्की की लाइनिंग होती है। दूसरा रास्ता होगा, अब बंदा है झूठ थोड़ी ना बोले, कोई भी वो कुछ ही बोल देगा तो मान लेगा। नीचे आके देख ले, पूरा चारे पहाड़ है, पहाड़ पे तुझे खुद का खुद तो सेंस लगाओ, कोई बोल दिया मतलब वही होता है क्या? भाई अपना सेंस लगाओ, अब बंदा बोलता है स्की करके आएगा, स्की करके यहाँ पे ऊपर आगे माउंटेन है, कैसे जाएगा बता, लॉजिक बता। तुझे रास्ते सारे पता है माउंटेन के भाई, अबे यार उस साइड भी तो जा सकता है जो इधर है, तू उस साइड रास्ता नहीं है चल के। ठीक है हम ऊपर से चढ़ के आए, अरे ऊपर क्या जहां पे हम खड़े थे वहां से ये नहीं, वो उधर, हां उधर, वही तो कह रहा हूं ऊपर से आए हैं, ऊपर से स्की कभी ऊपर से नहीं जाती है, जो भी बंदा स्की करेगा नीचे ही डाउन टर्न होता है। समझ नहीं रहा, जहां पे हम खड़े थे जो बाइक थी उसके वहां से दो प्लेन एरिया था, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। वही ड्रोन में मैंने बनाया, जब भी उसने स्की का बताया मैं ड्रोन में चेक किया भी कौन सी रूट है जिससे स्की जा सकती है, स्की के लिए रूट है नहीं, अगर वो आएंगे तो ऊपर से सिर्फ एक दो किलोमीटर होगा, ये डाउन लेक में आ सकते हैं। अच्छा। उसके आगे जाने के लिए है नहीं रूट भाई, सेंस लगाओ यार, कोई अगर कुछ बोल भी देगा तो मान थोड़ी ना लोगे। यहाँ पे अब यहाँ पे स्काई कैसे स्की कैसे चढ़ चढ़ेगा, बोला नीचे तो जाते हैं, यहाँ पे बंदर चल के जा रहे हैं, चल के जाएगा स्की वैसे ऊपर लेके बोले तो
बारिश होती है स्नोफॉल नहीं होती है। नहीं नहीं भाई बर्फ ही तो जमती है, पानी कहाँ से आएगा। बर्फ जितना हाई अल्टीट्यूड होता है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे बारिश कंडेंस होके लिक्विड का फॉर्म नहीं ले पाती, इसलिए सॉलिड में ही गिरती है। वही तो मैं कह रहा हूँ स्नोफॉल, यानी कि यहाँ पे बारिश ही बहुत होती है ना, इतना कॉमन लैंग्वेज। हाँ बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल हो गया यार बारिश की जगह यार, कॉमन लैंग्वेज मतलब वो समझना, मतलब जैसे हम जो पीछे थे लद्दाख में वहाँ पे वो बारिश भी नहीं होता था इसलिए स्नो भी नहीं है, सिर्फ ठंड है, यहाँ पे बारिश है तो स्नो है। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है तेरे साथ में। आगे चला ले। कौन सा व्यू? व्यू में आगे ये कलर ना we'll be right back.
लखनऊ जम्मू कहाँ जाएंगे, निकले घर घर निकलते हैं और क्या, स्पीति नहीं जाएगा? हाँ स्पीति से, वही स्पीति से घर निकलते हैं यार। नहीं यार जम्मू तो फिर मैं जाऊँगा यार, मैंने तो पहले ही बोला था इसलिए। अगले बार आ जाना, क्या दिक्कत है भाई यार, प्रेग्नेंट है वो यार, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं चला जाऊँगा तो वो तो प्लेन है, फिर तू गाड़ी ड्राइव कर लियो, मैं बस से आ जाऊँगा। वहाँ से तो प्लेन ही है जम्मू से, तू निकल जाइयो, वहीं ड्रॉप करता हुआ, वहाँ से तो प्लेन है। मैं आज चंद्रताल बोल रहा था जाने के लिए, स्पीति होकर चंद्रताल होकर चल लेंगे। देख लम्बा मत कर, लम्बा मत कर, तुझे अब एक महीने बाद वापस आना ही है। देख ठीक है, लम्बा मत करो, अबे यही रूट पे ही है, स्पीति से ही आगे ही है चंद्रताल होके। तो मेरे ऑफिस का भी तो सोच ले, दो हफ्ते की तनख्वाह चलेगी मेरी, अभी जाके वहन जो वो भी करेगा। अरे यार ऐसे नहीं चलेगा ना, तो जम्मू के लिए क्यों मना कर रहा है, चंद्रताल चले जाओ। जम्मू पे कितना किलोमीटर होगा पता है यहाँ जम्मू पे? जितना भी हो अब जाना तो पड़ेगा भाई, जाना तो पड़ेगा ही। आ जाइयो वापस, क्या दिक्कत है, फिर से आ जाइयो कभी। अरे इतना टाइम नहीं होता बाबा, छुट्टी एक घंटे मिले, मेरे पहले कहा था एक बार जाऊंगा छुट्टी पे, हफ्ते की दो हफ्ते हो गए अब नहीं मिलेगी छुट्टी वुट्टी। अरे प्लेन में चला लियो गाड़ी, प्लेन में तो गाड़ी चला लेगा, तो इंतजार तो होया। वहाँ से जम्मू से तू निकल जाइयो, चाहे वही ड्रॉप करता हुआ मनाली होके फिर जम्मू। वो तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, पठानकोट पहुँचा दूंगा, 400 किलोमीटर, 400-500 तो है चंद्रताल जो भी तेरा है वो होया। तू जहाँ जाते काम करना, डेली चल रहा है, डेली से मैं बस टिकट का बुक करा देता हूँ, क्या दिक्कत है उससे। आगे हाँ जम्मू की राइड निकल रही हो, वैसे वापस आगे वापस क्यों जाऊँगा, क्या वापस के आगे वापस जाएगा, मैं समझ नहीं रहा है। अभी यहाँ से घूमने से अच्छा, यहाँ से जो मैं क्या बोलते हैं, वहाँ से जो 450-500 किलोमीटर का जो तेल डालने से अच्छा वहाँ चले जाएंगे, दिल्ली में टिकट कर दूंगा उसका। कहाँ से? दिल्ली से जब टिकट कर दूंगा जम्मू का, दिल्ली जाके मैं वापस क्यों करूँगा। देख ये गलत बात हो रही है, अभी तू समझ नहीं, तू उसको चीज़ को समझ, करना पड़ेगा भाई, हम भी तो इतना घूम रहे हैं, मैं तेले भी तो इतना घूम रहे हैं। मैं समझ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि तेरे जम्मू जाना है ना, तो वहीं से निकल लेना, क्या दिक्कत है। दिल्ली से वापस नहीं आऊंगा मैं, दिल्ली से वापस नहीं आऊंगा। अबे दिल्ली से पास पड़ेगा जम्मू तेरे को, और पागल हो गया, ओवरनाइट जर्नी है, ऐसे कैसे पास पड़ेगा। यहाँ पे 400 किलोमीटर फटाफट पहुँच जाएंगे, 400 यहाँ से मनाली हम जाएंगे, तो मनाली से मंडी से वहाँ से निकलेंगे पठानकोट होके, जम्मू का डिस्टेंस टोटल 670 किलोमीटर है। 670 वहाँ से निकल लो फिर वापस, कितना रुकना थोड़ी ना है, 670 वहाँ जाने से अच्छा दिल्ली, वहाँ से 600 है दिल्ली पहुँच के, आराम से तो आ जाइए, क्या दिक्कत है। रात में इतना घूम रहे तो 600 घूमने में ही रहते हैं, फिर से वही रूट में यार घूम के जाना पड़ता है। और मेन दिक्कत पंगा ये है कि मैं मोस्टली जो फ्रेंड वेंड के ना, जो रिलेटिव वगैरह के, तू कहीं मत जा, तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है फोर्स में। भाई देख प्रेगनेंसी का टाइम है, मुझे मिलना है, मैं तो मुझे यहीं उतार दियो, नहीं बात यही की नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं तेरे को, ठीक है। मैं दिल्ली जाके वापस नहीं, दिल्ली जाके वापस क्या होता है, दिल्ली जाके वापस आने का क्या फिजिबल है, क्यों नहीं दिल्ली जाके तू स्पीति वापस आ जा फिर ऐसे, तो क्योंकि तुझे तो घूमना ही है, हम यहीं से कट लेंगे मनाली से, चल सीधा मनाली, तुझे तो स्पीति वापस आना ही है, तो तू आ जाइए वापस, ऐसे फिजिबल नहीं बनता ना। स्पीति वापस आ जाएगा, क्यों स्पीति तो पूरा वापस आ जाएगा, वो तो पूरा घूम जाएगा। बिगनिंग में ही बोला था जब भी कोई ट्रिप बनना है, अपना प्लान बनाना है, तुमने इंडिविजुअल प्लान नहीं बनाया तो अपनी फैमिली के भी रीजन लगा के बैठ जाते हो यार। मैं कोई फैमिली का रीजन नहीं लगा रहा हूं, वही तो कह रहा हूं कि भाई तूने पूरे ट्रिप पे अब जाके फसड कर रहा है, जब फसड इसलिए कर रहा हूं, उल्टा चल रहा है, मुझे चलाने में प्रॉब्लम नहीं, मैं मना नहीं कर चलाने के, मैं वही तो कह रहा हूं, पॉइंट समझ नहीं रहा है। फिर से देख 600-700 किलोमीटर वहां घूम के जाने से अच्छा वही दिल्ली चले जाना, मैं तेरे लिए बुक करा दूंगा आराम से, रात रात मैं ट्रैवल कर लेगा, चीज का मत कर। मैं 600-700 किलोमीटर वापस, मतलब मैं ट्रैवल कर वापस क्यों आएगा, अरे क्यों दिल्ली से वापस नहीं आऊंगा मेरे लिए, तो फिर एक काम करते ना, तो एक काम करते पटियाले से आते हैं, पटियाले से कर लेते फिर मैनेज में चला लूंगा धीरे धीरे करके, पटियाले से बुक करा देते हैं, वैसे फिर बीच में से कहीं से भी करा दे, प्लेन में तो चला ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मीटर का डिस्टेंस है पटियाला से इधर, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्लेन में तो चला लेगा, कोई टेंशन नहीं है, मुझे बीच में कहीं कर दे, क्योंकि मैं दिल्ली जाके वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। दिल्ली जाके वापस आने का समय नहीं बच गए, एक एक का आने का दिन, एक जाने का दिन, एक वहाँ रुकने का दिन, तो मैं 3 दिन ऑब्वियसली अगर वहाँ पे भी जम्मू में भी जाएगा तो ऑब्वियसली अपने फैमिली के साथ रहेगा ही रहेगा। नहीं नहीं कि मैं क्यों रहूँगा, मैं घर वाले मेरे साथ ही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फैमिली के साथ रहेगा ही रहेगा। इसलिए बोला था कभी घूमने वूमने आएंगे ना, फैमिली का रीजन रखेंगे ना, तो ढंग से घूम नहीं पाते, यहाँ स्पीति होके चंद्रताल होके सारे घूम के जाएंगे एक ही बार में, क्योंकि बाइक बोलना
करना इजी होता है, बाद में कभी टाइम मिलेगा मैं बोल रहा हूँ कि मैं घूम लूँगा, फिर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला मार्केट ने माँ चोती होगी, फिर उसके बाद पता चला टाइम ही नहीं मिल पाएगा आने के लिए, तो इसकी वजह से मैं आए हैं तो यहाँ स्पीति हो के चंद्रताल हो के घूम के चल रही है, यहाँ का सारा रूट कवर हो गया, उसके बाद कभी पता नहीं चला मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसके कोई भरोसा नहीं है, प्लान हमेशा होता है, पिछले दो महीने से प्लान कर रहा हूँ आना है आना है आना है आना है आना, आई नहीं पा रहे थे, अभी एक बार घर पहुँचने के बाद पता नहीं चला कोई ड्राइवर मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लान होगा नहीं होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जहाँ मिल के यार मैं पटियाला पटियाला में बता दूंगा, वहीं पे वहीं से कर लेना, 150 किलोमीटर है करा देंगे चले जाइए, और मोस्टली रिलेटिव रिलेटिव में मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा होता है, मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस रखता हूँ, इवन मनोज की क्या बोलते हैं उसके पापा की तबीयत खराब थी फिर भी मैं जा नहीं सका, मुझे एक तरह अलग तरह की फीलिंग आती है, मैं मोस्टली सॉलिटरी टाइप का हूँ तो इसलिए रिलेटिव्स में यार बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो जाता है, मुझे एक बार मिल लूँगा किसी से फिर उसके बाद एक अलग तरह का अटैचमेंट वगैरह बनता है तो उसमें फिर बंदा एक बाइंड हो जाता है, और होता है इतना ज़्यादा अपने रिलेशन में धोखा खा चुका हूँ कि अब किसी से वही कह रहा हूँ अगर इनकेस होता है स्पीति घूमते हैं चंद्रताल घूमते हैं उसके बाद चलते हुए पटियाला से टिकट बुक करा दूंगा, वहीं से 100-150 किलोमीटर है, फिर वैसे तो आते हुए अपने मम्मी पापा को लेके आता होगा आएगा या तो अकेले आएगा, अकेले हूँ वहाँ पर महीने के लिए, महीने के लिए हाँ जी, बट वही है मैं डबल रूट हो जाएगा ना, आप देखो अरे हो तो क्या तू भी जाएगा तो रहेगा भी वहाँ पे जाएगा, सुन तू जाके रहेगा मैं क्यों रहूंगा भाई, मेरा ऑफिस है मैं अपना खाली घर इंजॉय करूंगा, तू जाके तो एक दिन तो स्टे करेगा ही करेगा, मैं घर पे चोदूंगा मैं थोड़ी ना मारूंगा, फिर भी एक दिन तो स्टे करेगा ही करेगा, अब तो क्या फायदा जाके मिलना है भाई, जब इतने वही तो कह रहा हूँ अगर जाके तुम अपने वहीं पर रहोगे नहीं एक दिन एक दो दिन काटोगे तो वो तो ट्रैवल करके क्या फायदा, तो वही है ताकि स्टे तो करेगा ही करेगा, अरे नहीं करना बाबा, जो न्यूज है हम न्यूज पे बस उसको मिलना है क्योंकि भाई मैं उसका सगा भाई हूँ, मैं नहीं मिलूंगा तो कौन मिलेगा, वही तो कह रहा हूँ फिर मिलने के लिए मेरे लिए 2-3 घंटे ही बहुत है, और ना ही वो इतनी नहीं होते हैं, वही पापा भी इसीलिए कहेंगे भाई पहली प्रेगनेंसी है छोटी बच्ची है कुछ पता नहीं है तो चीज़ें उसको पता नहीं होती कि भाई ऐसे ध्यान रखना है ऐसे ध्यान रखना है, इसीलिए गए हैं यार, मेन मुझे वही मतलब कल रात से मुझे वही थोड़ा लगता है यार रिलेटिव से मिलना नहीं मिलना मिलना नहीं मिलना, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग आ रही थी, रिलेशन रिलेशन से मैं तूने खुद ही देखा होगा मेरे वहाँ पे जाता हूँ कोई बंदा देखा है कोई आते वाते कुछ करते हुए, और मेरे घर जाते हुए तूने कभी देखा है, कभी कभी कभार कभार जाता हूँ, इतने फ्रेंड सर्कल, इवन हितेश बिस्ट की शादी हुई है, शादी में उसने बुलाया, और इवन इसकी शादी हुई थी मैं आया था शादी वादी में, किसी में किसी के शादी वादी में अटेंड भी नहीं करता, कभी भी जाते मनोज है, मनोज के पापा की तबीयत खराब थी तो मैंने उसको फोन किया, फिर उसने बोला कि ऐसा है तो मैं बोला यार तबीयत पापा की कैसे, मतलब हर एक दो दिन में पूछता रहा कि तबीयत कैसी है, बट मैं गया नहीं उनके वहाँ पे क्योंकि मैं अगर जाऊँगा किसको मिलूँगा तो उसके बाद एक तरह का एक जो मेरी खुले वाली ज़िंदगी है मैं कहाँ इधर उधर चिपके वाली चीज़ें ना वो फिर मैं एक माइंडेड हो जाऊँगा देखने के बाद, देख तुझे समझ में आता नहीं बट मुझे ये है कि मैं किसी के भी पापा मम्मी को देखता हूँ ना तो मुझे एक अलग तरह की एक सेपरेट टाइप की मिसिंग वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं इस चीज़ों को पूरा डिस्टेंस रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये भी जेलस होता है कि लाइफ में बहुत सारे बंदे लगी हैं जिनके पेरेंट्स मिल गया लाइफ, और हम लोग की एज इतनी भी हुई नहीं, हम लोग 30-30 साल हुए हैं पेरेंट्स डेथ होना इस तो वेरी बहुत ही ज़्यादा अनलकी चीज़ होती है, तो इसकी वजह से मैं बहुत सारे जितने भी फ्रेंड्स अकेले उनसे तो उनके फ्रेंड उनके पेरेंट्स से तो मतलब मिलना ही नहीं करता, उनसे मिल के आऊँगा फिर उसके बाद ना 3-4 दिन खुद ही अपसेट बैठा रहूँगा, तो इसी की वजह से डिस्टेंस लगेगा, मैं एक दो दिन से ही वही मेरे दिमाग वाला चल रहा है कि यार उसके मम्मी पापा होंगे उनसे मिलना पड़ेगा फिर क्या ये वो, फिर मेरे दिमाग तब से धीरे धीरे घूम रहा था क्या करूँ, तो ये पंगा है मेरे साथ, तो मैं मिल नहीं सकूँगा अगर तेरे पेरेंट्स से मिलूँगा, तूने उस टाइम भी बोला था कि आके कभी कुछ होता है आस पास आके मम्मी पापा से मिल रही हो, सेम चीज़ तूने जैसे घर की बात बताया वैसे ही एक बंदा है क्या नाम है इसका सागर ने बोला बाबा वहाँ पे आके रहा करो यहाँ पे इतना पैसा देते वहाँ पे रहोगे इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया पंगा वंगा कुछ नहीं है ये नहीं है, बट दिक्कत क्या है उसके घर के पास है
कभी अगर उनके पेरेंट वेरेंट से मिल लिया फिर उसके बाद मेरी वो लग गई। मैं जाके रहता हूँ पूरे कोने में, कोई टेंशन नहीं, कोई मुँह नहीं, मैं आराम से अपना अकेले में रहता हूँ। वही होता भाई, तुम लोग के पेरेंट्स से मिलूंगा फिर तुम लोगों को देखूंगा कि साला एटलीस्ट ये तो है कि साला जब भी कुछ हुआ, दिमाग दिमाग खराब हुआ, ये तो तसल्ली होगी आके साला कहीं पे तुम बैठ के किसी के साथ बात भी कर सकते हो। जिंदगी भर टेंशन होती है लाइफ में, हर बंदे के लाइफ में परेशानी होती है। बहुत सारे बंदे अपने पेरेंट्स होने के बाद भी नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको उसकी प्रेशियसनेस पता नहीं चलती है। जिनके पास नहीं होती उनको पता है कि कितनी वैल्यू होती है। पेरेंट्स गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चलता है, बट ऐसा मूड भी आता है जब आपके पास में वो चीज़ होती नहीं है। अब जैसे कभी कभी मेरा ऑफिस में कहीं पर भी झगड़ा वगड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता है, मैं बहुत मिस करता हूँ मम्मी को। अब फिर उससे पहले दीदी थी, दीदी से फ़ोन से बात कर लिया करता था, थोड़ा तसल्ली हो जाती थी। आज की डेट में तुम किसको दोस्त के पास, अगर तुम कुछ गड़बड़ हुआ दोस्त के पास बात करोगे मैं जो मजे ले लेते हैं, उनको सीरियसनेस पता नहीं होती है, तो वो चीज़ होती है। अब ये तुम लोगों का भी टेंशन हुआ, चला कोई भी दोस्ती यार मजाक किया आया, तुम लोग अपनी दीदी से बात कर लिए, अपने मम्मी से बात कर लिए, एक तसल्ली मिलती है जब अपने कुछ शेयर कर लेते हो, दिल में तसल्ली मिलती है, चलो बढ़िया। तो कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से बंदा थोड़ा आइसोलेटेड हो जाता है। मनोज ने अपनी मम्मी पापा का फोटो दिखाया, दो तीन दिन तक भाई मैं परेशान रह गया, मेरे दिमाग में वो घूमता रहता था कि साला कभी भी होता है। अब जैसे मनोज है वो जाता है आराम से, उसकी मम्मी खाना बना देती है, कहता मस्त। मेरे से मेरे रूम में आता है घूमने के लिए, अपने मम्मी से लेके आ जाता है खाना बना के, क्या बोलते हैं ये तेरा यार एक खीर टाइप का बनती है, खीर लेके आ जाता है, मैं तो खाता हूँ, फिर उसके बाद मेरी याद आ घर की याद आ जाती है। तो चीज़ें होती है, इसकी वजह से मैं थोड़ा रिलेशन से थोड़ा डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करता हूँ। फिर तुम लोग मम्मी पापा से मिलूंगा, फिर चार पाँच दिन छः दिन खुद ही अपसेट घूमता रहूँगा, माइंड में वही घूमता रहेगा कि भाई तो क्या गलती की, क्या गलती की, इसकी सजा पहले बोला था कि इसकी सजा क्यों भगवान दे रहा है हमें, तो इसी रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, मुझे उससे मिलना है बस। नहीं मैं तेरी लॉजिक समझ रहा हूँ, बट वही है मैंने ये चीज़ बिगनिंग से तो इसलिए नहीं, देख मैं तेरे को ये बताना चाहता पर बता नहीं सक रहा था कि शायद तू क्या बुरा मानेगा, बट सेम चीज़ है, इसी की वजह से मैं मिल नहीं पाता हूँ कि तू अकेला नहीं है। इससे पहले जितने भी, जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, उस बार जो भी फ्रेंड है किसी के मम्मी पापा से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि पंगा यही होता है, तुम उनसे एक बार मिल लिए तो तुम्हें खुद को याद आ जाएगा कि साला हमने क्या गलती की है जिसकी वजह से साला इनके हैं पेरेंट्स बट हमारे क्यों नहीं है। तो सब रीज़न है इसी की वजह से, बाकी होता है तो मैं तुझे पटियाला में बुक करा दूंगा, चली जाएगी आराम से, जिनके साथ मैं शेयर करता था दोनों नहीं है, अब मैं तेरे दीदी और तेरे मम्मी पापा दोनों को मिलूंगा, फिर उसके बाद मेरी लग जाएगी, मैं पागल की तरह घूमूंगा, कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। चीजें होती है, समझना पड़ेगा तुम लोगों को, जो बंदा मना करता है उसका कुछ रीजन होगा क्यों मना कर रहा है भाई। लाइफ में बहुत कम बंदों को अपनी वैल्यू पता चल, जब कोई चीज़ें होती ना उनको वैल्यू पता नहीं चलती। इतना क्यों सोच रहा है तू? मैं सोच रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, तू भी सोचता होगा कि मैं चल बताया फिर आया पर जा नहीं रहा है, अपना रीजन तुझे शेयर कर रहा हूँ। वो कोई टेंशन नहीं, तू मत आ, कोई उस चीज की नहीं है, बस मेरा ये भाई मैं तो जाना ही है। नहीं मैं तो कहूँगा, देख ये जो चीजें होती है ये चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो दैट मीन्स तुमने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है दैट मीन्स आप लाइफ में कुछ नहीं हो। मेरी सिस्टर की भी, मेरे सिस्टर के घर गया था मैं जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उससे पहले मैं उनके घर घूमने गया था, इतने गंदी तरह से उसको ट्रीट करते हैं उसके जो सास ससुर करते थे, मुझे देख के मेरे गुस्सा लगता था कि मैं वही मार ना दूँ, तो दो दिन घुसा घुसा, बट दिक्कत वही होता था कि भाई उस मैं तो चला आऊँगा बट काटना तो उसे ही है। फिर वो मैं बहुत गाली देने, अरे उनके रिलेटिव्स आते थे घूमने के लिए, बोलते थे क्या जी हम बच्चे बच्चे नहीं हो रहे, क्या दिक्कत है। फिर उनकी जो सास होती थी, अब क्या करें, हमारी किस्मत फूटी किस्मत ऐसी मिली है, हमें क्या करें बताओ, इस तरीके से बात होता है क्या है? बोल देते तो अब वही है ना, मैं जो किस्मत फूटी, साला किस्मत फूटी तुम्हारी किस्मत अच्छी है बोल के फेरी देते तुम्हारे जो लड़के का भी टेस्ट करा लो, वही लड़के का टेस्ट करा लो, और इतने भी फूटी होती ना तो लड़का तुम्हारा 80,000 कमा रहा, मेरी दीदी 2-2.5 लाख की सैलरी ले रही है, तो चाहती ना कब का डिवोर्स देगा उसके उसके आगे पीछे लड़के घूमते,
उसने घर के चक्कर में उसने जर्मनी जाना छोड़ दिया। अगर जर्मनी आज बैठी होती एक एक करोड़ डेढ़ करोड़ की सैलरी लेती हुआ, उसके लिए तुम लोग इतने इंपॉर्टेंस रखते थे कि वो अपने करियर को आज की डेट में करियर से पहले बंदे डिवोर्स देते करियर को देख के, तुम लोगों के लिए इतने सेक्रीफाइस कर चुकी है। और भाई उसकी जो सांस है इधर उधर की दवाई खिलाती है, कभी भी उसने रोका नहीं कि चलो ठीक है अब मना कर दूंगी तो कुछ उल्टा सोच लेगी, इसलिए वो बोलती भी नहीं थी। उसके चक्कर में उसकी सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गए, हार्ट अटैक जो हुआ है उसी इन्हीं की वजह से हुआ है। तो इसी वजह से इवन मैं भी कभी भी मैं बात करता हूँ ना, मैं अपने जीजू से बहुत लिमिटेड बात करता हूँ। अब मुझे पता है वो ऑब्वियसली मेरे सपोर्ट से ज़्यादा अपने घर वालों के सपोर्ट में ही रहेंगे, मम्मी पापा वही हैं, तो मैं अगर ज़्यादा बात भी करूँगा कल को लगेगा कि साला माइंड में कुछ डाल रहा है, तो इसलिए मैं अपना लिमिटेड मेंटेन रखता हूँ। कभी भी कोई ज़रूरत होती है कभी बात करता हूँ, कभी अपने वाले से बात करनी होती है तो थोड़ा फ़ोन वोन पर बात कर लेता हूँ, बाकी मैं बहुत लिमिटेड रहता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सारे जगह में रीजंस होती हैं, तो ये सब चीज़ें जब बंदा रिलेटिव्स के रिलेटिव्स और ये चीज़ों से जब झेलता है ना, उसके बाद उसके माइंड में ऐसा चीज़ें घुस जाता है वो हर बंदे को सेम चीज़ सेम तराजू में तोलना चालू कर देता है। मेरे साथ मेरे ताऊ से लेकर मेरे बड़े पापा से लेकर मेरे जो भी हैं सब ने बसड़ मचाई है, तो सेम रीज़न की वजह से भाई मैं और किसी के ऊपर किसी भी रिलेशन से किसी भी फ्रेंड हो कोई भी किसी कर नहीं पाते हैं। होती है ना मना करने का वही पॉइंट है, तो कौन भाई मिलना ना चाहे, एक नया मेंबर घर में जुड़ रहा है कौन नहीं जाना चाहेगा है? मेरी दीदी का जब बच्चा हुआ था भाई सबसे ज़्यादा खुश मैं ही था, कि मुझे सबसे बड़ा ये लगा कि अब साला कोई बोल के दिखाए नहीं। ऑब्वियसली भाई सही बात, जो लड़की 5-6 साल तक झेलती रही चीज़ें क्या क्या नहीं झेलती, दिन भर ऑफिस में काम करती थी, एक पैसा भी अपने ऊपर नहीं खर्च करती, सैलरी आती ही पकड़ा देती थी, कौन पकड़ाता है भाई, कौन सी बहू है कि अपने सास को पैसा पकड़ाए, कोई नहीं पकड़ाता, वो लाती थी पकड़ा देती थी। मेन दिक्कत है कि हमारे घर वालों की मेरे पेरेंट्स की गलती थी, मेरे पापा मम्मी मेरी दीदी को ना अपने ट्रेडिशनल टाइप की लाइफस्टाइल रखे थे, एजुकेशन ढंग के दिए बट जो लाइफस्टाइल होती है ना पूरी ट्रेडिशनल करके रखे थे। अगर थोड़ी मॉडर्न थॉट की होती ना तो सास को बहुत ही चाटा लगा के अपने लाइन में आ जाते, क्या करें बता रहा हूँ। खुद देख जो ये इसके दास की भी शादी में बुलाए थे, हेमंत की शादी में, किसी की शादी में गया था यार, नहीं बेस्ट के शादी, किसी के शादी वादी किसी के में याद, जाओगे तो वहाँ पे कोई ना कोई उन्हीं के रिलेटिव्स वगैरह मिलेंगे, वही है शादी में तो चला जाएगा खा पी और आ जाए, रिलेटिव कोई नहीं मिलता अबे, सब दोस्त ही मिलते हैं, सब दारू वारू पीते खाना खाते हैं निकल आते हैं। शादी में तो ये क्या लगता है कोई किसी के मम्मी पापा से मिलने आता है, घंटा बाबा जी का नॉर्थ में ना सब दारू पीने जाते हैं और खाना खाने जाते हैं और कोई कुछ नहीं करने जाता। अब तो यही है कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता उसके मम्मी पापा, दूल्हा दुल्हन तो ये बहुत दूर की बात है कि उनसे मिलेगा, ठीक है दूल्हा अपने बारात में बिजी, दुल्हन मेकअप रूम में, ठीक है उन दोनों के पेरेंट्स अपने अपने काम में बिजी, ठीक है सीधा दोस्त होते हैं, खाना खाओ दारू पियो निकलो, कोई नेक वेक कोई कुछ नहीं करता भाई, कि यहाँ पे कोई किसी से नहीं मिलता। यहाँ पे जो होता है ना शादी, तूने अब देखी है कि शादी जो होती है वो दिखावा है, स्टेटस सिंबल, ठीक है अगर आप अच्छी शादी कर रहे हो तो कम से कम वो 1000 आदमी बुला लेगा कि देखो मैं शादी कर रहा हूँ, अगर छोटी शादी हो रही है ना तो भाई साहब प्लेटें भी है ना गिन के रखी जाती हैं खाने के उस पे, कि मेरा 200 आदमी उनका 100 आदमी 300 से ऊपर एक भी प्लेट का पैसा नहीं दूंगा, ऐसा भी होता है। तो इतना मत सोचा करें, इतना एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पे दिल्ली, मतलब नॉर्थ में ना कल्चर को इतना नहीं देते हैं, साउथ में जैसे होता है ना कि पहले आपकी जो मेन शादी होती है उससे पहले मंत्र होते हैं, मंत्रों को समझाया जाता है, पेरेंट्स को भी इंक्लूड करा जाता है, भाई बहनों को भी इंक्लूड, हाँ वो सब यहाँ नहीं होता। यहाँ पे तो बस सीधा शादी होती है, शादी के टाइम पे जो फेरे वाले टाइम हुआ है तब तक तो सारा बराती चला जाता है, फेरों के टाइम पे लगा ले लड़के के मम्मी पापा और उसके भाई बहन और रिश्तेदार जो इम्पोर्टेंट होते हैं सगे वाले, ठीक है और लड़की के भी यही रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं, बैंड बैंक्वेट सब खाली होता है, पंडित और ये दोनों मेन फैमिली वाले पास, और वो भी शुरू होते हैं 12-1 बजे 2 बजे रात को, तब तक कोई नहीं रहता भाई।
बंदे 9 बजे आते हैं, पता नहीं क्या कोई आगे कोई कुछ नहीं करता, पता भी नहीं लगेगा, तू जाया कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वैसे होगा ना कि ये कि चलो खा पिया है, मजाक करा है, हंसी मजाक हो गया, थोड़े दिन की बातें मिल गई, बकचोदी करने को कुछ नई चीज़ें पता लग गई। आधे बंदे तो टेंट के अंदर नहीं घुसते हैं, गाड़ी क्योंकि गाड़ी में दारू चलती है, बाहर में दारू चलती है, वो वहीं बैठे रहते हैं, वहीं खाना आ जाता है, कोई टेंट के अंदर भी नहीं जाता है। मैं अपनी सिस्टर की शादी में मैं खाना नहीं खा पाया था, मैं मम्मी पापा काम इतने ना, किसी दोस्त वोस्त से दास वास किसी से कुछ नहीं मिले, इन सब का अलग इंतजाम कर रखा था, मैं अपना खाते पीते रहो, मैं अपना बिजी हूँ, कुछ नहीं मिलता यार इतना। यहाँ के ट्रेडिशन और वैल्यूज ना अलग है, और दिल्ली में तो ना खास कर सिर्फ दिखावा है, ओनली दिखावा, शो ऑफ। बंदा अब एक जैसे जो मैं जी अजी बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाले, सब कुछ उनका सेटल्ड है, ठीक है, 800 करोड़ का टर्नओवर पर ईयर उन्होंने अपनी स्क्रैप इंडस्ट्री सेटअप करके अपने छोटे भाई को बोल दिया, दो छोटे भाई हैं, कि भाई अब तुम संभालो, मैं अब घूम रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी अब वो आदत नहीं है कि अगर उनको दिख रहा है कि कोई